जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त चौधरी एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि सदर हैं सब्जी मंडी के। इससे कबल चौधरी जई साहब से हमने बात की थी जो सदर थे फ्रूट मंडी के। हमने यहाँ पर बात कुछ इस मुद्दे से करनी है, कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है कि जो ये बदामी बाग की सब्जी मंडी है इसको शिफ्ट करने की जो बातें थी वो अरसा दराज से हम सुन रहे थे। एक तो अगर शिफ्ट करना ही है तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है, दूसरी जानेब अगर शिफ्ट करने में ज्यादा लागत आ रही है, चौधरी जहीर साहब ने अभी जो फैक्ट्स हमारे साथ शेयर किए हैं कि जो शिफ्ट करने के लिए लखूडेढ़ में नई स्टेट ऑफ द आर्ट सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी बनाने के लिए 5 अरब रुपए की लागत आएगी। चौधरी जहीर साहब ये कहते हैं कि अगर इसी बादामी बाग की मंडी को रिन्यू कर दिया जाए तो सिर्फ 50 करोड़ में ये काम निपटा लिया जाएगा। तो हुकूमत क्यों चाहती है कि हुकूमती खजाने पर इतना बोझ लादा जाए, इतने ज्यादा पैसे खर्च किए जाए, वो भी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका आड़तियों को, आवाम को, यहाँ के फल फरोशों को, यहाँ के जो सब्जी फरोश है उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो एजाज साहब आप क्या इस बारे में कहते हैं? ये तो था चौधरी जही साहब का पॉइंट, आपका क्या पॉइंट है? सबसे पहले तो बात ये है कि आप बार बार सब्जी मंडी आती हैं, हम आपका बहुत बहुत मशहूर हैं, हम आपके, आप हमारे जो मसले हैं उनको उजागर करती हैं, आपकी मेहरबानी है। जो बातें चौधरी जहीर साहब ने की हैं मैं उन बातों से इत्तेफाक करता हूं। सबसे पहले तो बात यह है कि मंडी अगर लेके जानी है तो सबसे पहले आप गज्जू माता को ज़रा देख लें कि वो मंडी आज तक गई है वहाँ से, और क्या हाल हो रहा है वहाँ पर आड़तियों का और क्या हाल हो रहा है वहाँ पर प्रॉपर्टी का। आज तक तो मंडी वो आबाद नहीं हो सकी, तो ये मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जो कि सब मंडी छोटी 4 मंडियों को सप्लाई करती है माल, यहाँ से लेके जाते हैं, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो कानाकाचा के जो मंडी की आपने बात की वहाँ पे क्या घपले हुए, घोटाले हुए? ये घपले गुपाले तो आप जो है मार्केट कमेटी से महकमा जरा से पूछे, हम तो ये कहते हैं कि जो आरती साहिबान जिनके करोड़ों रुपए वहाँ पे हमारे इस मंडी के फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी के थे, क्योंकि वहाँ यहाँ से वो माल लेके वहाँ पे जाके फरोख्त करते थे, वो आज तक हमें नहीं मिले। अच्छा। दूसरा ये है कि वहाँ पे आरती आज तक वो एडजस्ट हो ही नहीं सके। अच्छा। वो ऐसे है कि कोई भी कारोबार उनका वहाँ पे चल नहीं सका, जाके देख लें। अच्छा, उसके बाद आप मुल्तान रोड मंडी को देख लें, वो भी प्रैक्टिस देख लें कि वो आज तक वहाँ पे क्या हुआ, वेल्डिंग की दुकानें खुली वहाँ पे, जो है ड्राई क्लीन की दुकानें खुली, आज तक वो तो कामयाब नहीं हो सकी। फिर यहाँ पे अगर ये कहते हैं कि आपको शिफ्ट करना है, हमें गवर्नमेंट के साथ लड़ तो कोई नहीं सकता, इत्तेजाज कर सकते हैं, चौधरी जहीर साहब भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, हर किसी का हक है। यहाँ पे ये है कि 7 मरले की दुकान छोड़ के हमें 2 मरले की दुकान देंगे, वहाँ पे हमें आधे मरले का ऑफिस देंगे, कैसे वहाँ पे कारोबार करेंगे? हमें तो ये कहा गया था कि जब भी मंडी शिफ्टिंग की बात होगी तो आपको ऑन बोर्ड लेंगे, आपकी मशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। कहाँ मशावरत हमारे साथ? हुकूमत भी तब्दील हो गई, चेहरे भी तब्दील हो गए, लेकिन आपके मसाइल वो वैसे हैं, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं क्यों, पता नहीं। अब इमरान खान साहब से हम तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि वो हमारे मसाइल सुनेंगे, हमारी चौधरी जहीर साहब की गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि जब शिफ्टिंग का मामला होगा आपको ऑन बोर्ड लेंगे, तो देखेंगे अभी वो हमें ऑन बोर्ड लेते हैं कि नहीं। हम असलम इकबाल साहब भी बीच में इस मामले में आए, वो भी है, मिनिस्टर साहब भी हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे यहाँ पे, उन्होंने सारा टूर किया है, क्योंकि मियाँ असलम इकबाल को तजारत किया है ना, वो भी डील कर रहे हैं ना। मकसद तो है कि हम जॉइंटली, हमारा जॉइंटली सिस्टम जो सही तरीके से चल सके। बात वही है, मैं बार बार वही आपको कह रहा हूँ कि मंडी शिफ्ट करने में हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस मंडी को तो इस जगह पे रहने दें, क्योंकि यहाँ भी देखो ना, सेंट्रल लाहौर तो सारा इसको डील कर रहा है, गुलशन रावी के। अच्छा, ये नाज़रीन जो पॉइंट है वो आप तक पहुँचाते रहते हैं हम अपने प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवज्जुह से, वो ये कि शालमी मार्केट को रिंग रोड के आसपास शिफ्ट करने के लिए अरबों रुपए उसके लिए एस्टिमेट बनाना शुरू कर दिया, या उसके लिए सर्वे बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद मछली मंडी और जो रिन मार्केट है उसको शिफ्ट करने के लिए अरबों रुपए का एस्टिमेट लगाना शुरू कर दिया। फिर इस बादामी बाग की सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी को लखूडेढ़ शिफ्ट करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए का एस्टिमेट लगवाना शुरू कर दिया। सवाल मेरा ये है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई है और ये कहती है कि हुकूमती खजाना खाली है, जो पिछले हैं वो यहाँ पे कुछ छोड़ के नहीं गए, तो फिर ये अरबों खरबों रुपए की बातें कहाँ से होती हैं? ये अगर बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल, तकरीबन ये बकौल उनके पिछले 70% खत्म है, अभी तक वो छतें गिरनी शुरू हो जाएंगी, वो कम्प्लीट कर नहीं रहे। पंजाबी जी कहते उड़दियां फड़ी जाओ, फसियां छाड़ दी जाओ, मतलब जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करें।
जब वो कंप्लीट हो फिर इसमें आए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस मंडी का हमें जाने में कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये मंडी शिफ्ट ना हो यहाँ, इसको रिटेल में कर दें, वो भी कर लें। जो एक्सेस कम होगी ना, लोगों का महंगाई तो खुद बहुत खत्म हो जाएगी, और असल तो प्रोडक्शन की तरफ आए ना। बिजली इधर महंगी, पानी महंगा, किसान मर रहा है, ये सुबह से लेकर सब गरीब आदमी है, और ये आते इंतजामिया आते हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार। टैक्स देते हैं आप? टैक्स देते हैं? टैक्स आप टोटल कौन कहता है यहाँ पे टैक्स नहीं देता, सब टैक्स एस्टीमेट लगा सकते हैं। अच्छा, एक जो टैक्स की मद में कितने पैसे दिए जा चुके हैं, या आप महीने या साल में कितना टैक्स दे देते हैं, कोई एस्टीमेट लगा सकते हैं? मेरे पास एस्टीमेट कुछ मेरा आइडिया, क्योंकि मेरा अगला सवाल उस पर डिपेंड करता है। हिसाब से पूछ लेता हूँ, पूरी सब्जी मंडी लाहौर के अंदर टैक्सेस की मद में 25 अरब रुपया जाता है यहाँ सालाना। सालाना? अच्छा, जरा कैमरा मैन से गुजारिश करूंगी, जरा 25 अरब रुपए सालाना देने वाली मंडी की सड़क देखिए जरा नाज़रीन, ये आप वो मुलाहिज़ा कीजिए, वो सब्जी मंडी जो सालाना 25 अरब रुपए टैक्स की मद में देती है, उसकी सड़क आज तक नहीं बनी। ये बताइएगा कब से नहीं बनी? अच्छा, नहीं नहीं, बात ये है कि 25 अरब रुपया मुझे तो नहीं पता, चौधरी साहब कह रहे हैं वो देते होंगे, हम तो यहाँ पे, आप खाली ये सड़क ना देखें, और भी अंदर सड़कें हैं, वो भी जाके देखें, सारी दिखाऊंगी, सारी जाके के वहाँ पे पैच वर्क हो रहा है, वहाँ पे सीवरेज के जो कवर करना है सीवरेज को, वो भी वैसे के वैसे ही हैं, और भी हमारे बहुत सारे इशू हैं, बहुत मामले हैं। लेकिन आज अखबार में पढ़ के एक मदिया बहुत अजीब सा लगा कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मछली मंडी भी वहाँ पे जानी है। एक मंडी तो हम संभाल नहीं सकते, फ्रूट और सब्जी मंडी और मछली मंडी भी जाएगी, और उसके बाद इतला के लिए मैं एक और आपको बता दूं पॉइंट कि वहाँ पे रिम मार्केट भी जाएगी। हाँ, वो भी वहाँ पे जा रही है, और उसके बाद पता नहीं वो शालमी मार्केट भी वहाँ पे जाएगी, सारा कुछ ही वहाँ पे जाएगा। तो हम कहाँ पे कारोबार करेंगे ये तो हमें पता नहीं, किसने बताना है, आपने बताना है या महकमा ज़राअत ने बताना है कि वहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले तो बात ये है कि यहाँ पे आप एनुअल ना देखें, यहाँ पे आप देखें कि मंथली जो है वो कितना यहाँ पे टैक्स जो है वो मार्केट कमेटी ले रही है। मार्केट कमेटी अगर यहाँ पे उतना टैक्स मंथली हमसे ले रही है, तो उसका काम है कि उससे कम से कम आधा तो हम पे खर्च करते हैं। हमें एक और सदर ने ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम में, आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ये बात है कि आप लोगों ने जाना है वहाँ या नहीं जाना, जो लक्कू डेढ़ की सब्जी मंडी है, ये डिपेंड भी करता है आपकी शराइत के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि शालमी मार्केट के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया और शालमी में सर्वे किया, उसके बाद साले सही साहिबा जो डीसी लाहौर थी उन्होंने कहा कि ये तो एक सिर्फ रफ आइडिया था, हम अभी कुछ नहीं कर रहे इस बारे में। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि जाना है वहाँ या नहीं जाना, अगर जाना है तो क्या आपकी एक दुकान या जो एक मरले की है और उसकी करोड़ों रुपए की लागत की कीमत है, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत वो दुकान की कीमत के इवज आपको या तो लैंड दे दे या पैसे दे दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बार तो मंडी को लाजमी जाना है, लेकिन है कि हम अपने सूलों पे एक हैं, सारे आरती जितने हैं, क्योंकि इधर सात सात मरले की दुकान है, कम अज कम इससे बड़ी दुकान हमारे को मिलनी चाहिए, फिर ही हम जाएंगे ना। वो जो बोल रहे हैं कि हॉस्टल वगैरह बना के देंगे, उधर किराए पे रहेंगे, एक दफ्तर होएगा, उसके बाद आप कारोबार कर सकेंगे, या हमको बाहर तो नहीं बैठे, सूल के साथ लेके जाएंगे तो जाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये मंडी 60-65 सूल बनाए, आपको कोई पीसी तैयार करके दिया, कोई आपने आपको दिखाए कागजात के ये हमने बनाया, होमवर्क दिखाया आप? कुछ भी नहीं, कोई पीसी तैयार नहीं दिया। अच्छा। हमने कहा जी हमसे MOU साइन कर ले। अच्छा, एक और बात है, ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल के बाद आवाज उठती है मंडी जा रही है, मंडी जा रही है वहाँ की प्रॉपर्टी। 2012 से तो मैं भी सुन रही हूँ, 1 साल के बाद मंडी वहाँ जाती है, शोर मच गया, अप हो जाती है वहाँ की, बड़ी माफिया है, वहाँ की प्रॉपर्टी की कीमत अप हो जाती है, और उसके बाद 2 साल बाद कहते हैं मंडी नहीं जा रही जी, वो थल्ले दे है ऊपर, ये सब ड्रामे हो रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमत में भी जो है जगह ली हुई है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा ना। देखो मंडियां सारियां बाहर जाती हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ की जमीन की कीमत ऊपर करने के लिए हर साल बाद बात नहीं है, देखो सारी मंडियां जो है ना वो बाहर हैं, बाहर जाएं तो कारोबार बढ़ते हैं, जो कारोबारी हजरात है सारे जाने के लिए तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई बंदा इनकार करे के, लेकिन किसी सूल के साथ हम बाहर तो नहीं बैठे हुए। सूल आपको कौन बताएगा? आप उनको बताएंगे, वो आपको बताएंगे, दोनों मिल के एक एक मेज पर बैठेंगे, वो बताएंगे, उनके हाथ में इख्तियार है, वो माइनस प्लस करना जानते हैं, वो उसको यूज कर उसको यूज कर वो सारे मैनिपुलेट करते हैं हर मामले को। सबसे पहले तो बात ये है, इन अफसरों से पिछले जो नवाज शरीफ हुकूमत पे चले गए उनसे पूछे कि ये लोकेशन आपको किसने दी, आपने जाना है पिंडी, पहले आपको बोलेंगे जी आप जाके ना उधर वाघे बॉर्डर पे, उधर बस स्टैंड है, पहले वाघे बॉर्डर जाएं लाहौर सिटी से, तो फिर आप वहाँ से रावलपिंडी की बस लें, वैगन लें, जो भी लें, उधर से लेके जाएं, पहले माइनस में जाएं, फिर आगे आप जाएंगे।
क्यों कहाँ के ये या कहाँ के ये पॉलिसी मेकर हैं, अकल से काम नहीं लेना। नहीं अकल क्या है, ये PhD हैं, ये इतनी इतनी तनख्वाहें लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं, हर चीज इनके इनके जो मुराद है लेविश है इनका हर चीज। महकमे ज़राअत सेक्रेटरी ज़राअत आपके लिए क्या करते हैं, कब आते हैं? कुछ सेक्रेटरी ज़राअत झूठ बोल, जो ये मंडी जो है ना ये इधर ही रहेगी, हाँ मंडी जाएगी बाहर एक अच्छी यानी लोकेशन में आएगी, लेकिन ये मंडी जो है ना ये इधर ही रहेगी। ये सर उन्होंने कहा कि जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे, बहुत बात के पक्के जो है ना सेक्रेटरी साहब हैं, ये मैं मुंह पे भी बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं अल्लाह की जात से डर। देख रहे होंगे आप, वो देखें देखें बेशक बुला भी लें और कोई इंतकामी कार्रवाई करनी हुई कर लें, वो मैं नहीं डरता। क्या कहेंगे सेक्रेटरी साहब? ये जो बात की है ना इन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात है, इफेक्टिव बात है। देखिए आप कोने पे जा रहे हैं, पहले वहाँ जाएं फिर वापस है, अगर मंडी बनानी भी थी ना तो काला शाह काकू पॉइंट पे बनाते या मुल्तान रोड पे, क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन तो वहाँ से आती है। अगर इंडिया से इन्होंने इंडिया की बेहतरी के लिए बनानी तो फिर तो शायद वो बेहतर है, वो भी अब खतरनाक काम है, कोई पता नहीं किस तरह बम चल जाए होते। हमारा कोई इशू नहीं है कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, लेकिन देखो सहूलत मिलनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए। यहाँ जो कारोबारी हजरात हैं ना बिल्कुल परेशान है, क्योंकि जो मंडी 60-70 साल पहले बनी है, सारे आरतियों से मशवरा करके फिर मंडी बाहर जाएगी, ऐसे तो नहीं लेके जाएंगे। तो मशवरा देने के लिए आपको कोई आया, मशवरा लेने के लिए आपसे कोई आया? आया आया जड़ी है कि मैं थे गल कर दिया कि भाई की है या की नहीं है, किन्ना लाता है, ठीक है पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं सर। मैडम बात ये हुई है कि पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया ना 2012 में कि मंडी शिफ्ट होनी है, इन्होंने हमें रात को सर्दियों की रात में बारिश के टाइम पे बुलाया कि जी आए फौरी हंगामी मीटिंग है। इन्होंने पूछा जी क्या, इन्होंने कहा आपकी क्या क्या चीज़ें, आपको क्या रिक्वायर्ड है, इनको हर चीज़ बतलाई। जब इनको ये अफसरान को बतलाया तो इन्होंने कहा जी कि अच्छा हम आपसे मीटिंग करेंगे। उसके बाद जनाब उन्होंने ला के ना सामने फिर डिवाइड एंड रूल अंग्रेज का फार्मूला, वो इस पे लागू कर दिया। उसके बाद इन्होंने शबीर साहब ने वो नक्शा देखा है कि जो दो दो मरले ढाई ढाई मरले की, और इन्होंने ओके किया है। अच्छा। जो आज कह रहे हैं ना 7 मरले हमें या इससे ज्यादा मिलने चाहिए, इन्होंने ओके किया, इन्होंने उसको यस किया। अच्छा। इन्होंने मुझसे पूछा सही है, यानी आपको डिवाइड कर दिया भाई है, इन्होंने भी इधर जीना है इधर बनना। कौन सी कौन शबीर साहब सुनो ना, मैंने मैं गल कर रहा, मैं पूछ के गल कर रहा, वैसे गले पूछ के इन्होंने पूछा जब स्टार्ट मंडी जाने लगी है झगड़ा इनका ये हुआ जी हमारे इतने इतने लाइसेंस हैं आपके इतने इतने लाइसेंस हैं तो कैसे कैसे दुकानें मिलेंगी। इनको समझाया यार देखो बात सुनो आपस में ना लड़ो, जब मंडी जानी है ना तो रात में मेरे समेत चाहे कोई मालिक है चाहे कोई किराएदार है कोई भी है जिसने अप्लाई करना है कुछ करना है फाइल पकड़ के लाइन में लगेगा, और किसी का कागज अगर मौसमी हालात के मुताबिक कलर चेंज कर गया ना तो दूसरे ने कहना यार उसके पास तो उस कलर का कागज है मेरे पास मेरा तो सफेद है। कि ये ना ठीक है, आप लोगों में आपसी इख्तलाफात जो थे वो पैदा हो गए, अभी इनकी बात सुन के मुझे इस बात का अंदाजा हो गया पैदा किए गए या हो गए हैं। अब ये बताइए कि जब जब प्रोग्राम टॉप स्टोरी ने सब्जी मंडी में प्रोग्राम किया, हाँ हमने हम क्योंकि बाद में भी चक्कर लगाते रहे, सफाई की सूरत हाल जो है कदरे थोड़ी बेहतर देखी, क्योंकि पहले तो वर्ड्स थी कि यहाँ पे आने के बाद जो जूते थे वो यूटिलाइज नहीं किए जा सकते थे, ऐसी हालत थी यहाँ की। ये बताइएगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या सहूलियात जो थी वो चाहिए थी, और साला साल से वो सहूलियात, एक तो मैं आपकी सड़कें देख रही हूँ कि आप लोगों ने कहा कि आप टैक्स देते हैं सड़कें, फिर पैच वर्क तक नहीं है यहाँ पर, ठीक है पैच वर्क, इसके अलावा यहाँ पर जो आपको फैसिलिटी देनी चाहिए थी आपका हक और हुकूमत का फर्ज बनता था वो आपको नहीं दी। यहाँ पे जब बारिश होती है ना, मेरी बात सुने तो वो तो एक कुदरती मामला है, जब बारिश होती है तो फिर यहाँ पे चीकर हो जाता है और इसको भी वो कीचड़ जो है उसको उठा नहीं सकते ये, क्योंकि वो जब सूखेगा तो फिर ये उठाएंगे। तो अच्छा डाल सकते हैं, हाँ ये आपको ऐसे रहने की आदत है तो वो अलग बात है, हम तो यूज्ड हो गए हुए हैं। हाँ, वही ना आपको 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 यहाँ पे ऐसे रहने की आदत है, हमें पता है कि हमारे जूते भी कीचड़ में गिले हो जाए, हमारा तो यहाँ हमें तो कीचड़ से बदबू नहीं आती, लोगों को सेह से बदबू आ रही है। अच्छा चलिए, और उसके बाद और क्या क्या चीजें आपको दरकार थी, सहूलतें आपको चाहिए थी जो आपको मिले ही नहीं? अभी दो महीने पहले ये शोर मचा है ना कि मंडी जा रही है, अब इन्होंने किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किया हर मंडी के जाके सब्जी मंडी, हमने वैसे रोक दिया, उनसे शरारती कार्ड ले रहे हैं फड़ियों से, अब वो फड़ियाँ उनको वेरीफाई कौन करेगा, वो तो मंडी की आरती करेंगे ना, ये करेंगे हम करेंगे, इन्होंने वहाँ से लेना शुरू कर दिया हर आदमी से शनाख्ती कार्ड, और उस शनाख्ती कार्ड लेके कह रहा है आपको वहाँ प्लाट देंगे, पता ही नहीं अभी इनको, मतलब ये सब करप्शन का एक जरिया है, गरीब आदमी को क्या पता होगा। अच्छा एंड पे एक एक करके आपने रिमार्क्स देने कि आप लोगों अब चाहते क्या है, चाहते क्या है, लखुड़ेर जाने नहीं जाना, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो चीजें हैं वो इम्प्रूव करवानी है। वो बात ये है कि आखिर में वही बात है, हम जाने में हमें कोई तराज नहीं,
हमें जाने में कोई इतराज नहीं, किसी को भी कोई इतराज नहीं, लेकिन ये मंडी यही रहे। ये बता रहे हैं ना कि 60 साल पुरानी, 60 साल मंडी वही बात है, एक थी अभी 5 मंडी हैं। हर जगह पे ये जाए, इसको रिटेल में ये शो करें। और दूसरी बात ये है कि जब लेके जाएं हमारे साथ एमओयू साइन करें। ठीक है, क्या कहेंगे? कराची की मंडी है, एक मंडी है, दूसरी मंडियां खत्म कर दें, ये एक ही मेन मंडी बनाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसे है कि अब आप देखें यहाँ पे अभी जो है ना वह सफाई की हालत, मतलब ये आप ही देख रही हैं कि पहले से कदरे बेहतर है। अगर कोई मार्केट कमेटी अगर कोई अच्छा काम करती है तो हमारा काम है उनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर दे, ताकि पता चले कि वो कुछ कर रहे हैं, ताकि वो आगे से मजीद अपने आप में बेहतरी लेके आए। अभी हमने उनको बोला है कि आप यहाँ पे सफाई का निज़ाम जो है उसको बेहतर करें, वो कर रहे हैं। यहाँ पे उनको बोला है कि पैच वर्क हमें करके दें, वो हमें ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि इसी वीक में नहीं तो अगले वीक में हम आपको ये भी काम करके दे देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि मंडी यहाँ से हमने शिफ्ट करनी है, मंडी शिफ्ट करने में किसी को कोई इतराज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट चाहेगी ना कि मंडी यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट के साथ आज तक हमने नहीं देखा अपनी सारी ज़िंदगी में कि गवर्नमेंट के साथ कोई लड़ता है, लेकिन हमारे ये एक मंडी की तो बात नहीं है। साथ जो है ना मछली मंडी, मार्केट सेक्रेटरी ने, सब्जी मंडी, सब कुछ शिफ्ट करना है। स्पेशल सेक्रेटरी ने जो मीटिंग हमारे साथ लास्ट मंथ की थी, उन्होंने ये कहा था कि ये मंडी यहाँ पे रहेगी, इसका बोझ कम करने के लिए हम वो मंडी बना रहे हैं। और बना रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को, ग्रेडिंग करने वालों को, कोल्ड स्टोर वालों को, और उसके बाद वहाँ पे ऑफिस देंगे, वहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे बैठेंगे जाके। हम चौधरी जहीर साहब और ये सारे साहब, हम तो फारिग हो गए ना, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो जाके बैठेंगे। अब कितनों के बच्चे पढ़े लिखे हैं कि वो जाके कंप्यूटर के बैठे? क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है जी, सबसे पहले तो अगर इन्होंने मक्खी पे मक्खी मारनी है ना, कि जो पिछली हुकूमत ने गलत की है, कहते हैं ना गलत उनको, तो फिर उनके पे ना चले। पहले इसको देखें प्रॉपर तरीके से। अगर कहते हैं अवामी हुकूमत ये है, हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, मार्शल्ला दौर में ये मंडी आई थी, आप सोलतों की बात कहती हैं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सोलंग लगाया था रोड का, सोलंग लगा के रात को टेंट और गैस, बिजली भी नहीं थी, और हैंड पंप एक एक लगा दिया था चार कोनों में। मेरे पास मेरे पड़ा हुआ, जब हमने दुकान इधर ली थी तो वो गैस पड़ा हुआ, आज भी निशानी के तौर पर यादगार रखी हुई है कि वो जला के इधर कारोबार किया हुआ है। ये जो आगे बात करते हैं ना कि जी ये हो गए, इसको जाना चाहिए, इसको होना चाहिए, ये इनकलाब होता है, अकल सब की बाहर आ जाएगी। नंबर एक, नंबर दो, लोकेशन चले, लास्ट लोकेशन, लोकेशन मैटर करेगी। लास्ट सवाल ये है कि आपको लगता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत जो मौजूदा प्रोजेक्ट पिछली हुकूमत के पेंडिंग पड़े हैं, जैसे कि सबसे बड़ी मिसाल ऑरेंज ट्रेन है, वो कंप्लीट करने की सख्त नहीं रख रही है, क्योंकि वो कहते हैं हुकूमती खजाने में पैसा नहीं है, क्या आपको लगता है 5 अरब लगा के आपको मुतमईन करके वहाँ शिफ्ट कर देंगे? मैडम, अफसर वही हैं, सब कुछ वही है, चाबी जब तिजोरी खुलेगी, अंदर से माल निकलेगा, फिर माल उनकी जेबों में जाएगा, फिर कोठियां बनेंगी, फिर कारें बनेंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें, चाहे तरीके इंसाफ की आ जाए, चाहे आप जाके, अफसर वही है, चाहे आप जाके ना, जरात वही है, हर चीज वही है, सिर्फ वजीर चेंज हुआ। वो वजीर साहब भी वो उधर इनके कान फिर सुनते हैं, सेक्रेटरी की आवाजें, अपने अमले की आवाजें, अवाम तो इनके लिए सिर्फ उतनी है वोट देने के लिए, चाहे नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, तरीके इंसाफ हो, या और भी कोई आप को भी इधर ला के बना देंगे ना, तो वो भी इनके रंग में रंग जाएगा। यहाँ पे इतना बाबूक्रेसी जी, बाबूक्रेसी बिल्कुल बाबूक्रेसी। नाज़रीन, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है।